पेट्रियंस, आज का गेम प्ले हर बार की तरह मजेदार होने वाला है। भाई साहब, यासना में जो भसड़ मचने वाला है ना, आप बस देखो, आपको कतई मजा ही आ जाएगा। मैं अकेले पूरा यासना खाली करता हूँ इस गेम प्ले के दौरान, जो जो मेरे साथ होने वाला है ना गाइज, बस आप देखो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। ज्यादातर बंदे सी अपार्टमेंट में नहीं उतर के दूसरे तरफ उतरते हैं, तो आसपास जितने भी बंदे हैं मैं पहले उनको क्लियर करता हूँ। और भाई, उतरते ही सामने एक बंदा दिखता है। अपार्टमेंट में ज्यादा बंदे नहीं होने के कारण मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। खैर, यहाँ पर दो बंदे होते हैं, इनका कैसे पेटी बनता है ये देखो। यहाँ पर जैसे ही मैं नीड करता हूँ, बंदा नीचे उतर जाता है। चलो, इस बंदे का पेटी बनाने के बाद जब मैं पास वाले अपार्टमेंट की तरफ जा ही रहा था, इतने में भाई साहब गंदे तरीके से पड़ता है। चलो, यहाँ पर बाल बाल बचा। यहाँ पर मुझे पता था बंदा अंदर की ओर जाएगा, दैट्स व्हाई मैं अंदर की ओर नेड करता हूँ। इस बंदे का पेटी बनाने के बाद मैं सीधा अपार्टमेंट के अंदर ही आ जाता हूँ। और गाइस, लिटरली यहाँ पर दो स्क्वाड थे। यहाँ पर जैसे ही मैं एक स्मोक किया, पीछे से कोई जंप करने का साउंड सुनाई देता है। इतने में ही जस्ट मेरे ऊपर दो दो स्क्वाड हैं। अब आगे देखो, बड़ा ही मजा आएगा। यहाँ पर मैं ऊपर जाने के लिए सोच ही रहा था, इतने में ही बाहर से एक साउंड आता है। अभी ऊपर कितने बंदे हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पर मैं शांत होके बंदों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर एक बंदे का लोकेशन मुझे पता चल जाता है। अब आगे देखो, ऊपर कोई प्रोन किया था तो उसका साउंड मुझे सुनाई दिया। यहाँ पर शायद उनका लास्ट बंदा है। भाई साहब, यहाँ पर कितने बंदे थे ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। खैर, यहाँ से निकल के जब आगे बढ़ता हूँ, तो जस्ट सामने ही एक बंदा रिकॉल होके आता है। इस बंदे का बाकी का टीममेट सामने ही होते हैं, पूरे तीन बंदे होते हैं। उन सब का पेटी कैसे बनता है ये देखो। जैसे ही इस बंदे का पेटी बनाता हूँ, इसका टीममेट मेरे ऊपर रश करने वाला है। ये स्क्वाड का बस लास्ट बंदा बचा है, जो कि मेरे सामने ही है। चलो, इस स्क्वाड का पेटी बनाने के बाद जब मैं यहाँ आके बंदों को आइडेंटिफाई कर ही रहा था, इतने में ही भाई सामने से बग्गी आता है। इस बंदे का पेटी बनाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, ठीक मेरे नीचे एक बंदा है। आप मिनी मैप में भी देख सकते हो। यहाँ पर बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए मैं एक फेक स्मोक करता हूँ, मेरा मतलब फेक ग्रेनेड। यहाँ पर जैसे ही दिखाता है मिनी मैप में, बंदा राइट साइड की तरफ है। मैं तुरंत ही रश करता हूँ।
इस बंदे का पेटी बनाने के बाद पीछे से इसका टीममेट का साउंड आता है। यहाँ पर गाइस मुझे पता था बंदा खिड़की से ही आएगा। और गाइस इसी तरह इन बंदों का पेटी बनाने के बाद मेरा फाइनल टारगेट की ओर मैं बढ़ता हूँ, जहाँ पर 2-3 स्क्वाड होते हैं और उनमें से एक लड़की भी होती है। ये कैसे, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ मुझे 2 बंदे का साउंड सुनाई देता है। तो जैसे ही मैं ऊपर की ओर जाता हूँ इतने में ही गाइस इन बंदों का पेटी बनाने के बाद मेरे ऊपर एक स्क्वाड का रश आने वाला है। अब आगे देखो क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर मुझे पता था एक बंदे को नॉक करने के बाद वो मेरे ऊपर रश करने वाले हैं, इसीलिए मैं नीचे आके तुरंत ही एक बंदे को नॉक फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे का पेटी बनाने के बाद इसका बाकी का 3 टीममेट मेरे ऊपर रश करने वाले थे। अब आगे देखो। इसका लास्ट बंदा ही बचा है, चलो लगे हाथ उसका भी पेटी बनाते हैं। तो मेरे प्यारे ग्लैडियंस, फाइनली हम पूरे यासना पे राज कर चुके हैं और 29 किल के साथ आप अंदाजा लगा सकते हो इतने सारे स्क्वाड आए थे। तो यहाँ से निकल के जैसे ही मैं सर्कल की ओर जाता हूँ तो जस्ट सामने ही एक बंदा भागते हुए दिखता है। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन था, गाड़ी से उतर के बंदे को मारता या फिर गाड़ी ही चढ़ा देता। यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। अगर मैं ओपन में उतर के फाइट लेता तो बंदे मुझे कहीं और से मार देते और मेरा इजिली पेटी बन जाता। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ और बग्गी उस बंदे के आगे की तरफ लेता हूँ। लिटरली गाइज आई फील सॉरी फॉर हिम। खैर दोस्तों, आगे जो सीन होने वाला है ना, आपका तो होश ही उड़ जाएगा। जैसे मैं बंदों की तलाश में आगे बढ़ते जाता हूँ तो सामने 2 बंदे होते हैं जो मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। अब आगे देखो गाइस क्या होने वाला है। मैं तो ये सोचता हूँ इतना बढ़िया कंटेंट हाथ से गया, चिकन लेने से रहा मैं। अब देखो बस, गाइस लिटरली यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, यहाँ पर बचना लगभग इम्पॉसिबल। चलो यहाँ पर जैसे तैसे करके बच गए और इन बंदों का पेटी भी बना चुके हैं। खैर यहाँ पर लास्ट 2 ही बंदे बचे हैं, हम चिकन डिनर के बहुत ही करीब है। यहाँ पर एक बंदे को दूसरे बंदे ने स्नाइप करके मार दिया, इसका मतलब अभी बस एक ही बंदा बचा है। उस बंदे को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बंदे का लोकेशन मुझे पता चल जाता है और बंदे को जोन में भी आना था। अब आगे देखो, यहाँ पर बंदा बच जाता है बट इस बार नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे ग्लैडियंस, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रीवियस वाले मैच में चिकन नहीं हो पाया था, इस वाले मैच में आपके लिए मैं चिकन लेके आया। क्या करूँ यार, आपका प्यार इतना मिलता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और कुछ बंदे होते हैं मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हैं, आपको दिल से थैंक यू गाइस। तो दोस्तों आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करना है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।